दतिया नगर पालिका वार्ड क्रमांक 31 वार्ड वासी रास्ते को लेकर हैं परेशान। मध्य प्रदेश दतिया के शहर की सीमा में स्थित वार्ड 31 के लोगों को नहर पर पुलिया नहीं बनाए जाने से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों यहां की एक महिला की समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण मौत हो गई थी। बच्चों को नहर के रास्ते से गुजरकर स्कूल जाना होता है। कई अभिभावक बच्चों की जान का जोखिम मानकर उन्हें स्कूल जाने से रोक देते हैं। ऐसे में शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत से बच्चों को महरूम होना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में यहां की समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। दरअसल वार्ड 31 से होकर एक नहर गुजरी है, लेकिन उस पर पुलिया नहीं बनी है। बारिश के दिनों में तो यहां लोगों को अपने में कैद होना पड़ता है। वह रास्ता पार करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। इसे लेकर वे स्थानीय पार्षद से कई बार अपनी गुहार लगा चुके हैं। यहाँ रहने वाले लोग प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलकर अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि वे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं और वे ही उन्हें इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। इस मामले को लेकर दतिया ADM रूपेश उपाध्याय से पत्रकारों ने चर्चा की तो क्या कुछ कहा, देखिए दतिया से खास रिपोर्ट। हम लोग इधर परेशान है, हम लोगों को कोई साधन नहीं है इधर, ना हम लोग रास्ता में कर चौमासे में 4 महीने हमारे बच्चे पूरे बैठे थे, स्कूल नहीं जा पाती। अच्छा, आपके बीच में घटना भी घटी थी कोई? हमारे बीच में घटना घटी, हमारी भाभी खत्म हुई थी 9 बजे रात के, पानी बरस गया था लॉकडाउन में, तो हम लोग इन्हें मैं इसकी जाँच करा लेता हूँ कि इसमें किसको काम करना है। इरीगेशन काम करना तो इरीगेशन को बता देते हैं, और नगरीय क्षेत्र में गुस्सा आता है तो हम CM को संबंध निर्देश जारी कर देंगे। सर नगरीय क्षेत्र में ही आता है बाढ़ क्रमांक के कत्ते? सर हम उसको जांच कराने के बाद CM को निर्देशित कर देंगे कि संबंध में समाधान करें।